फ्रेंड देखो, ये थुरनबिंगा का पौधा है। ये देखो, हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए सबसे अच्छा पौधा। और ये देखो कितना सुंदर फ्लावरिंग का है। ये देखो, हैंगिंग बास्केट में लगाना है। ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, कोई केयर नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक बार लगा दीजिए। इसमें मैं गोबर की खाद और बकरी की खाद भी आती है वो, और मिट्टी, गार्डन का सॉइल दोनों मिला के बस लगाई हूँ। ये देखो कितने सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखो, येलो ब्लैक, इसमें एक और आता है वाइट और ब्लैक कलर आता है। ये देखो, एक ही गमले में लगा के रखी हूँ मैं। ये देखिए, गमले में कोई केयर नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखो, बस पत्तियाँ डाल देना, पत्तियाँ सड़ते रहती हैं और फ्लावरिंग करती है। देखो, इसमें इसके सीड भी बनते हैं, सीड से ग्रो होता है ये। ये देखो, ये फूल खिल गए हैं, ये इस पर सीड बने हैं। ये देखो, बहुत सारे, रोज़ इतने सारे फूल खिलते हैं, बस बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं। और एक एक दो दो, एक एक दो दो, ये तो पूरे इसके बाहर फूल खिलता है। अभी तो धूप, बारिश होने के कारण इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम हुई है। ये तो बहुत से, देखो कितने सारे बीज बन गए हैं। देखो ये रे बीज, ये बीज मैं इकट्ठे करके रखूँगी। वैसे तो एक पौधा 4 से 5 साल जीवित रहता है, कोई केयर नहीं, बस पानी की ज़रूरत होती है इसको। 4 से 5 साल बाद भी ये फ्लावरिंग करते रहता है। बस हैंगिंग में लगा दीजिए आप, बस दिन भर हवा में देखो ऐसा घूमते रहेगा और बहुत सुंदर फ्लावरिंग करते रहता है। ये येलो कलर का है, इसमें क्रीम वाइट है वो नहीं है मेरे पास, ब्लैक एंड वाइट में भी रहता है। ये देखो, और एक गमले में ये और लगा के रखें, इसकी भी ब्रांचेस फैल रही, बस बीज गिरता है कि अपने से जग जाता है। बहुत सुंदर दिखता है, आप भी लगाइएगा ये। आपको ये किसी भी गार्डन या जहाँ बीजों की दुकान है वहाँ पर मिल जाएगा। इसकी बीज पैकेट में आते हैं, आप एक बार लगाओ फुर्सत, घर में हमेशा फूल येल्लो ब्लैक येल्लो ब्लैक। ये देखो कितना सुंदर खिला है, अपने घर में हमेशा ये फूल लगा के रखिए। थैंक यू।